द वीडियो। तो जैसा कि आपको पता है, ह्यूंडई वेन्यू के रीसीटिंग के बारे में गाइस काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी ऑटो मार्केट में। बट गाइस, आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि क्या आपको स्पेस ऑफर करता है ह्यूंडई वेन्यू, और उस पर क्या मेरा रिव्यू और ओपिनियन रहेगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑलरेडी एक करियर सीटिंग के ऊपर एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने प्रैक्टिकली गाइस करके नहीं बताया था। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। और इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली बात करने वाले हैं गाइस कि कितने लोग आराम से बैठ सकते हैं, क्या साइज आपकी होनी चाहिए अगर आप कंफर्टेबली बैठना चाहते हो पीछे के सीट में। गाइस, जिसने पिछला वीडियो देखा है, प्लीज गाइस कमेंट मत करने लगना कि भाई तू बार बार वही सेम टॉपिक पे वीडियो बना रहा है। वीडियो वापस बना रहा हूँ गाइस, बिकॉज काफी सारे लोग कंफ्यूज हैं और बहुत सारे लोग गाइस जानना चाहते हैं कि क्या स्पेस ऑफर करता है ह्यूंडई वेन्यू। गाइस, अगर आप कंफ्यूज हो अबाउट द रियर सीटिंग कैपेसिटी ऑफ ह्यूंडई वेन्यू, देन गाइस प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। गाइस, शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं गाइस अपनी फ्रंट सीट गाइस अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना चाहूंगा। जैसा आप देख सकते हैं, थोड़ा और आगे ले लूं। तो जैसा आप देख सकते हैं गाइस, मैं कंफर्टेबली बैठा हूं यहाँ पे। भाई, जैसा आप देख सकते हैं कि मैंने अपने हाइट के अनुसार अपनी जो फ्रंट ड्राइवर सीट थी वो एडजस्ट की है। तो चले गाइस, चलते हैं और देखते हैं कि रियर सीट में क्या स्पेस अब बचता है। गाइस, जैसा आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा स्पेस आपको मिलता है। तो और एक चीज गाइस, मैं अपने हाइट बताने के लिए भूल गया आपको। तो मेरी हाइट 5'9" 5'8" के आसपास होगी गाइस। अगर आप 5'9" और 5'8" तक हो तो बिंदास आप पीछे आराम से बैठ सकते हो। तो गाइस, कुछ ऐसा स्पेस आपको पीछे देखने को मिलता है। और अंडर थाई सपोर्ट भी गाइस काफी ज्यादा अच्छा है, मैं कहूंगा इतना ज्यादा बुरा भी नहीं है। गाइस, मैं आपको फ्रंट स्पेस दिखाना चाहूंगा कि कितना स्पेस आपको सामने मिलता है। तो पता है गाइस, मुझे काफी सारे लोग कहेंगे कि मैंने काफी ज्यादा मतलब आगे ले ली है सीट। बट गाइस, मैं ऐसे ही ड्राइविंग पसंद करता हूँ, मुझे एकदम रिलैक्स ड्राइविंग पसंद नहीं है। अब बात आती है कि कितने लोग पीछे आराम से बैठ सकते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं गाइस, मैंने ऑलमोस्ट इतना पोर्शन सीट का कवर किया है। तो यहाँ पे गाइस, मेरे जैसे 5'9" हाइट का और मेरे जैसे बिल्ड का एक इंसान और यहाँ पे आराम से बैठ सकता है गाइस। बट यहाँ पे गाइज, मेरे हाइट का इंसान नहीं बैठ सकता गाइज, उसकी हाइट कम होनी चाहिए। और वो इंसान अगर स्किनी हो तो वो काफी कंफर्टेबली बैठ सकता है गाइज। अगर वो मेरे हाइट का और मेरे वेट का है गाइज, तो वो डेफिनेटली यहाँ नहीं बैठ पाएगा। प्लीज नोट, मैंने कहा नहीं बैठ पाएगा, मतलब गाइज बैठ पाएगा बट इतना कंफर्टेबली नहीं बैठ पाएगा गाइज, बिकॉज यहाँ पे छोटा सा आपको एक हम देखने को मिलता है। इतना ज्यादा बड़ा भी नहीं है ये हम गाइज, बाकी सारे कार्स में काफी ज्यादा हम आपको मिल जाता है। जैसे आप देख सकते हैं गाइस, सामने दो बंदे बैठ जाएंगे एडल्ट और पीछे दो एडल्ट बैठ जाएंगे। अगर पीछे यहाँ पे कोई बच्चा हो तो वो भाई आराम से बैठ सकता है। जैसा मैंने बोला था आपको कि ये जो सीट है ड्राइवर सीट, वो मैंने अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट की है। और ये जो आप जो सीट देख रहे हैं गाइस, वो टोटली मैंने सामने की तरफ की है गाइस। तो जैसा देख सकते हैं गाइस, आप कितना ज्यादा स्पेस आपको मिलता है अगर आप पूरी सीट आगे की तरफ करके रखते हो। तो बैठ के वहां पे दिखाना चाहूंगा कि कितना ज्यादा स्पेस आपको मिलता है अगर आप पूरी सीट आगे करते हो। तो गाइस, जैसा आप देख सकते हैं, काफी ज्यादा लेग रूम है गाइस। बट मुझे नहीं लगता गाइस कि कोई भी इंसान इतना नजदीक करके बैठेगा सीट। तो गाइस, जैसे मैंने दिखा दिया आपको कि यहाँ पे एक इंसान बैठ सकता है 5'9" का, और यहाँ पे भी एक इंसान 5'9" का बैठ सकता है। तो अब गाइस, मैं आपको बीच में बैठ के दिखाता हूँ, अगर 5'9" का बंदा बैठेगा तो कैसे बैठेगा। सब देख सकते हैं गाइस, बीच में यहाँ पे छोटा सा, जैसे मैंने कहा, तो मतलब यहाँ पे आप ठीक से पैर नहीं रख पाएंगे आप। तो अगर 5'9" का बंदा बीच में बैठता है गाइज, तो आप देख सकते हैं कितना स्पेस बचता है। यहाँ पे बैठ सकता है गाइज 5'9" का बंदा, नहीं बैठ सकता ऐसे नहीं कहा मैंने, यहाँ पर भी बैठ सकता है गाइज। बट जो स्पेस गाइज जो बचेगा तीन बंदों के बीच में, वो काफी कम हो जाएगा और बहुत कंजेस्टेड सी मतलब जो फीलिंग आएगी गाइज। गाइज, मैं आपको बता दूं, अगर आपकी बिल्ड मुझसे बड़ी है गाइज, मतलब जो आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो ज्यादा बड़ा है, मतलब आप अगर फैट हो, तो गाइज यहाँ पे दो ही इंसान आराम से बैठ सकते हैं। और मुझे नहीं लगता गाइज कि वो दो बंदे फिर यहाँ पे किसी को बैठाना चाहेंगे, क्योंकि अगर वो इतने मोटे हैं तो ऐसा आराम से बैठ सकते हैं गाइज, जैसा आप देख सकते हैं। तो गाइज, अगर हम बात करें कि आप 5'9" का बंदा, जैसे मैंने कहा, अगर 5'9" का बंदा गाइज ऐसे बैठना चाहता है, तो डेफिनेटली गाइज दो ही बंदे यहाँ पे बैठ पाएंगे, जैसे आप देख सकते हैं। अगर इतना कंफर्टेबल बैठना चाहते हो दोनों पाँव ऐसे करके, तो गाइज सिर्फ दो ही बंदे होंगे, चाहे आप फैट हो चाहे स्किनी हो, वो मैटर नहीं करता है।
ऐसे गाइस बैठ सकते हैं गाइस, तीन बंदे आराम से, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है अगर आप एवरेज इंडियन हाइट के हो तो, क्योंकि हम इंडियंस गाइस बैठाने को तो यहाँ मतलब छह बंदे भी बैठा सकते हैं। एक चीज मैं और आपको करके दिखाना चाहूंगा वो ये कि मैं ये पूरी सीट आपको पीछे लेके दिखाता हूँ कितना स्पेस बचता है गाइस। वैसे तो कोई बैठता नहीं है, पूरी सीट पीछे करके कट गाइस, फिर भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अगर आप फ्रंट सीट गाइस पूरी पीछे करते हैं तो पीछे वाले बंदे को बिल्कुल भी मतलब जगह नहीं बचती है बैठने को, थोड़ा भी गाइस लेग रूम नहीं बचता है, मतलब आपके पैर लिटरली फ्रंट सीट पे लगते हैं जैसे आप देख सकते हैं। सिर्फ इतनी मूवमेंट कर सकते हैं गाइस आप अगर आप फ्रंट सीट पीछे करते हैं तो, वो भी गाइस अगर आप ये जो रिक्लाइन है वो और पीछे करेंगे तो सीट तो मतलब जो स्पेस तो बचता ही नहीं गाइस। तो एक और लास्ट बार मैं बता दूं गाइस आपको, पूरी सीट पीछे करने के बाद कुछ इतना स्पेस आपको मिलता है और पूरी सीट गाइस आगे करने के बाद कुछ इतना बड़ा स्पेस आपको देखने को मिलता है। चलते हैं फ्रंट सीट में और वहां जाके बात करते हैं। तो एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको, अगर आप पूरी सीट पीछे करते हो तो आपको सामने कुछ इतना स्पेस देखने को मिलता है, मुझे नहीं लगता गाइस इतना कंफर्टेबली कोई चलाएगा कार। तो यार गाइस आई होप आपके जो डाउट्स थे ऑन द रियर सीटिंग ऑफ इंडिया वेन्यू वो क्लियर हो गए होंगे, एंड आई होप गाइस कि मैंने प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन किया ईच एंड एवरीथिंग। तो गाइस इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।